यूं तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा देने की बात कही जाती है, लेकिन ग्राम पंचायत सरईपाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 जनवरी 2015 को सावित्री नाम की एक आदिवासी महिला का प्रसव पीड़ा हुआ, जिससे सुबह 3 बजे उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में कोई स्टाफ न होने के कारण उसे घर में ही प्रसव कराया गया। मैं मितानी लेके गए रही मरता एक हो और लेके गए रही मैं आओ अपन वो हॉस्पिटल में कोई नहीं रही। मैं दोनों करा ला खोजे को हो कौन नहीं रही वो तो सिस्टर अपन यहाँ रागड़ के रही तब मैं वहाँ ले फिर लाने घर में तो घर में बेचती हो गई से। साथ ही अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा जननी सुरक्षा योजना के तहत 1400 रुपये देने के लिए उससे 700 रुपये मांगा गया, जिससे आदिवासी परिवार को तथा मितानिन के परिवार को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1400 रुपये जो जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलते और तुम्हारा मिले है? नहीं मिली सर। तो डॉक्टर मन देवो कहा था पैसा सांसद ही हो के थे मतलब डॉक्टर फिर बोला थे मतलब में तो पैसा लगा थे 700 रुपये बोला थे का चीज के अरे बाबू के किसे पर मतलब जनन फिर निकाल तक 700 लगा थे फिर 700 अब 700 फिर दबे तो फिर चेक बनेगा फिर 1400 रुपये तुम कहा थे। इस बात का पता मुझे चला और मैंने अपने मोहल्ले वालों से चर्चा कर मितानिन एवं गंगाराम को जो सावित्री के पति हैं लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरईपाली गया। PHC सरईपाली में पदस्थ डॉक्टर देवेंद्र देवांगन से इस विषय पर चर्चा किया। दोबारा इस प्रकार की गलती न होने की बात उन्होंने कहा। लगभग 3 दिन के बाद डॉक्टर ने स्वयं के हाथों से नया चेक काट कर आदिवासी परिवार गंगाराम राठिया के यहाँ अपने एक स्टाफ के हाथों भिजवाया। एक महिला उनके परिवार द्वारा बताया गया हमको, मेरे को और राजेश को बताया गया कि उनका जो जननी सुरक्षा योजना का पैसा है 3 महीने से नहीं मिला है। तो हम उस मोहल्ले में गए, उस मोहल्ले वालों से चर्चा किए, उसके बाद मोहल्ले वालों के साथ मिलकर हम लोग अस्पताल आए और डॉक्टर से चर्चा करके उनका पैसा दिलवाए उनको। हम अस्पताल गए हैं, राजेश गुप्ता भेटन डॉक्टर से बात है ना, फिर चेक दी से फिर राजेश गुप्ता लेके गए हैं करवाने, पैसा मिल गई है। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से निवेदन है कि सरईपाली PHC के डॉक्टर श्री देवेंद्र देवांगन को 7693887806 पर फ़ोन करें और धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने सावित्री को उसके जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले 1400 रुपया का भुगतान किया तथा मितानिन को 600 रुपया का भुगतान किया। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।